तो दोस्तों विशाल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों 2017 खत्म होने के बाद अब 2018 स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप हैप्पी न्यू ईयर 2018 के लिए अपने मोबाइल से ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आप अपने मोबाइल से फ्री में ग्रीटिंग कार्ड बनाने के बाद अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी भी अपने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक का देखते रहिएगा। तो दोस्तों अपने मोबाइल से ग्रीटिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके सर्च बॉक्स में लिखना है फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड मेकर। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर इसको सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहले स्थान पर ही एक एप्लीकेशन मिल रही होगी, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप इसका लोगो यहाँ से देख सकते हैं, आपको ये वाली एप्लीकेशन ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। इसको 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं अपने मोबाइल में ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। अब दोस्तों क्या करना होगा, हमें इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको अपने हैप्पी न्यू ईयर के लिए कार्ड बनाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे लेट्स विन लिखा दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे आपके कार्ड के डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको कार्ड का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक कार्ड बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको अपना कार्ड बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कार्ड को ले लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपके बहुत ही सारे फेस्टिवल टाइप दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों हमें बनाना है न्यू ईयर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें तो बनाना है नए साल के लिए। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फेस्टिवल और मिल जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, फ्रेंडशिप डे। तो दोस्तों हम यहाँ पर न्यू ईयर पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने न्यू ईयर पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको टाइटल मिलेगा। तो दोस्तों टाइटल में यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं लगा देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2018। तो दोस्तों आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ से दोस्तों आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा मैसेज प्रीव्यू। तो दोस्तों यहाँ से आप इस मैसेज को इधर उधर करके देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रॉम और टू। तो दोस्तों फ्रॉम में आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है विशाल ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों टू में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टू में भी लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ग्रीटिंग कार्ड तैयार है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने फिंगर से उठाने के बाद इसको सेट कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ आपको इसको रखना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इसकी सेटिंग भी दी गई है। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको ये फॉन्ट थोड़े छोटे दिख रहे हैं और आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इनको छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर इसमें आप स्पेशल कुछ अपनी स्टिकर वगैरह डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप कोई स्पेशल स्टिकर भी यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अगर इसमें कोई बैकग्राउंड की अपनी डिजाइनिंग लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको इसको अपने मोबाइल में सेव कैसे करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ग्रीटिंग कार्ड आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, ये जो आपका ग्रीटिंग कार्ड है, ये आपके मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। तो दोस्तों अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा अपने मेमोरी कार्ड में। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर आपको ये फोन की मेमोरी में एक फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फोल्डर का नाम होगा फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको जो यहाँ पर आपने ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आराम से अपने मोबाइल से ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।